मुंबई में दो अलग अलग हैवानियत की आई घटनाएं सामने। पहली घटना में महालक्ष्मी में 17 वर्षीय लड़की के मिसिंग की मामले को जब पुलिस ने किया उजागर तो पता चला पिता ही बनाता था बच्ची को 5 साल से हवस का शिकार। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर में दो अज्ञात लोगों ने 29 वर्षीय महिला के साथ किया दुष्कर्म। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल्शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई में दो अलग अलग घटनाएं हम आपको बताएंगे जिसमें दुष्कर्म के मामले में कैसी बढ़ोतरी हुई है इस घटना के जरिए ही आप जो है समझ पाएंगे। सबसे पहली घटना महालक्ष्मी से जुड़ी हुई है जहां पर महालक्ष्मी रेस कोर्स में माली का काम करने वाले 46 वर्षीय पिता जो कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी जो 17 वर्षीय है वो लापता है या उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा नाबालिग सुन करके इसका संज्ञान लिया जाता है और टीम का गठन करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। पता ये चलता है कि जो लड़की है वो महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर है, जिसके बाद जो पुलिस की टीम है वो महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से इस 17 वर्षीय लड़की को अपने ताबे में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में लड़की के द्वारा जो बातें कही जाती है वो काफ़ी गंभीर है, जिस मामले को सुनने के बाद सभी हैरान हो गए और सभी के होश उड़ गए। लड़की बताती है कि उसकी उम्र अभी 17 साल है लेकिन 5 साल से उसका पिता उसे अपने हवस का शिकार बनाता था। बता दें लड़की ने ये भी कहा कि जब वो 12 साल की थी तभी से उसके पिता के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था, वीडियोस वगैरह बनाए जाते थे जिसकी तमाम जो है वो सबूत पुलिस को दे दिया गया है। फिलहाल लड़की ने ये भी बताया कि उसके दो बड़े भाई है और एक माँ है, जिन माँ की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर पिता अक्सर मेरे साथ दुष्कर्म करते थे। भाई को इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई मुझे ना मार दे। और ऐसी तमाम चीज़ों का आप खुलासा करने के बाद जो पुलिस है अब आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी खबर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जुड़ी हुई है जहाँ पर 22 सितंबर के दिन एक दरिंदे किस्म के दो लोगों ने एक महिला को अकेले रात में देख उसके साथ जबरन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के एक परिसर में ले गए और वहां जाकर के बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद अब जो है महिला की शिकायत के बाद दो लोगों को पुलिस जो है हिरासत में लेने के लिए तमाम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन मुंबई में बढ़ते इस तरीके की अपराध को लेकर कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ पिता को गिरफ्तार करने के बाद उसको सलाखों के पीछे ज़रूर पुलिस डाल दी लेकिन अवेयरनेस नहीं था, वरना बच्ची 5 सालों से इस पिता के हैवानियत का शिकार नहीं बनती। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की अगर पेट्रोलिंग होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो सबसे बड़ा टर्मिनस है वहाँ पर इस तरीके की घिनौनी वारदात नहीं होती। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अब्दुल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।